योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय बरेली उत्तर प्रदेश, जिसे ऑटो रिक्शा टेम्पो चालकों को शहर में पार्किंग व परमिट हस्तांतरण एवं जंक्शन पर अवैध उगाही के संदर्भ में ज्ञापन। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि बरेली शहर में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालकों के लिए कोई भी पार्किंग स्थल नहीं है, सिर्फ बरेली जंक्शन को छोड़कर, जिसकी वजह से आए दिन सवारी चढ़ाते व उतारते वक्त नो पार्किंग के चालान कर दिए जाते हैं। ऑटो टेम्पो चालकों के लिए पूरा शहर नो पार्किंग जोन बना हुआ है। बरेली जंक्शन पर जो भी ऑटो टेम्पो ई रिक्शा सवारी छोड़ने आते हैं, उनसे ठेके के नाम पर 30 रुपये की जबरन वसूली की जाती है। ऑटो व टेम्पो मालिक बीमारी व कर्ज के जाल में फंसने के कारण अपने ऑटो टेम्पो को नोटरी एग्रीमेंट पर बेच देते हैं। जिन लोगों ने ऑटो खरीदे हैं, वे जब परिवहन विभाग में परमिट नवीनीकरण को जाते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। वह परिवहन विभाग के अधिकारी परमिट रद्द करने की धमकी देते हैं। हम मांग करते हैं, शहर में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालकों के लिए सवारी चढ़ाने व उतारने के लिए स्टॉपेज व पार्किंग स्थल बनाए जाएँ। जंक्शन पर ठेके के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। जब तक पार्किंग स्थल नहीं बन जाते, तब तक शहर में नो पार्किंग के नाम पर हो रहे चालानों पर रोक लगाई जाए। बिक्री के उपरांत ऑटो व टेम्पो का परमिट व रजिस्ट्रेशन विक्रेता से क्रेता के नाम हस्तांतरित किया जाए। ये ऑटो चालकों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन है।